हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। और दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस दो वीडियोस में आपको फ्लेबोटमी और जो हमारी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं उनके बारे में हमने आपको इन डिटेल बताया, और इसी के साथ अब हम जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा यूनिक है और भी बेहतरीन है। एक्चुअली आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने फ्लेबोटमी के ऊपर बात कर लिया, और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ड्रो। ऑर्डर ऑफ ड्रो क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि एक जो सीक्वेंस होता है हमारा ब्लड कलेक्शन का, जो ब्लड कलेक्शन करते टाइम जिन वाइल्स को हम बाई सीक्वेंस कलर कोडिंग और कुछ एंटीकोगुलेंट्स के बेसिस पे हम सेट करते हैं और ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसी प्रोसीजर को हम ऑर्डर ऑफ ड्रो बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, पूरी वीडियो देखिए, और कुछ भी अगर नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो कीप वॉचिंग एंड लेट स्टार्ट। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रो के बारे में। ऑर्डर ऑफ ड्रो क्या होता है तो आज हम आपको बता रहे हैं ऑर्डर ऑफ ड्रो के बारे में। देखिए, जब आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ ड्रो का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रो के बारे में आज हम यही सारी चीज़ें इन डिटेल बताने जा रहे हैं। ये ऑर्डर ऑफ ड्रो का मतलब क्या होता है, आपको जब एक साथ 8 से 10 ट्यूब्स में ब्लड सैंपल कलेक्ट करना होता है तो आपको उस टाइम ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी ट्यूब में सबसे पहले ब्लड कौन सी ट्यूब में हम सबसे पहले ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो आपको उस टाइम सभी सीक्वेंस का और ऑर्डर ऑफ ड्रो के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सैंपल किस टाइम पे कौन सी वाइल में लेना है। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है ऑर्डर ऑफ ड्रो के, अगर आप अकॉर्डिंग आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो। बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ ड्रो को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी ट्यूब्स होती हैं सभी में कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होता है, और जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सैंपल कलेक्ट करने के दौरान वाइल को निडल से अटैच करते हैं, और उस ट्यूब का जब हम अटैच करते हैं तो उस ट्यूब का जो एंटीकोगुलेंट्स होता है, जो हमने सबसे पहले अटैच किया है उसका एंटीकोगुलेंट जो होता है वो निडल पे लगा रह जाता है। अब निडल पे लगा रह जाता तो फिर उसके बाद जब हम दूसरी वाइल लगाएंगे तो उसका एंटीकोगुलेंट्स उसके दूसरी वाइल के अंदर चला जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जब हम अपने जो वाइल है उससे जब हम सैंपल प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो वेरी करता है, मतलब उतनी एक्यूरेसी नहीं रह वो बन पाती है उसमें। ऐसी दूसरा फिर तीसरी हम वाइल लगाते हैं, चौथी वाइल लगाते हैं, ऐसी पूरी पूरा सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए इस सीक्वेंस को सही बनाने के लिए, ताकि हमें सबसे पहले जिस ब्लड की नीड होती है उस ब्लड को कलेक्ट करें, उसके बाद हम एक सीक्वेंस पूरे सीक्वेंस से, ताकि कोई एंटीकोगुलेंट्स किसी दूसरी वाइल में मिक्स भी होता है तो उसमें टेस्ट के रिजल्ट्स पे कोई इनफेक्ट कोई भी उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़े और कोई भी रिजल्ट उसका वेरी ना हो। तो इसलिए हम ऑर्डर ऑफ ड्रो को फॉलो करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे। आपके पास सबसे पहले ब्लड कल्चर के रिक्वायरमेंट है तो आप सबसे पहले ब्लड कल्चर ट्यूब में सैंपल कलेक्ट जो सैंपल कलेक्शन होता है वो करेंगे। उसके बाद हम सोडियम सिट्रेट या जो हमारे ब्लू टॉप ट्यूब होती है, दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सभी ट्यूब्स के बारे में कलर कोडिंग बेसिस पे, जो मेरी पहली वीडियो है मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बताई हैं। तो अभी हम फिलहाल जो हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रो है हम उस पर बात करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम सेकेंड नंबर पर जो हमारी सिट्रेट वाइल होती है हम उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसमें जो कि सिट्रेट वाइल जो हमारी बेसिकली क्या होता है, हम जो पीटीआईएनआर जो टेस्ट करते हैं वो हमारी सिट्रेट वाइल होते हैं, उसमें सैंपल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रेड कलर की ट्यूब जो होती है हमारी, हम उसमें कलेक्शन करते हैं, जिसको हम प्लेन वाइल भी बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई एंटीकोगुलेंट्स नहीं होता, इसलिए हम उसको प्लेन वाइल भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एसएसटी वाइल में सैंपल, जो एसएसटी जेल वाइल जो होती है हम उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिससे हम सारे जितने भी हमारे बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हम वो सब भी उसे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम हेपेरिन ट्यूब जो कि लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब होती है, हम उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये हमारा पूरा सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ ड्रो में आता है।
और देन फिर क्या करते हैं हम, उसके बाद लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब जो है हेपेरिन, उसके बाद हम EDTA वायल में सैंपल कलेक्ट करते हैं। EDTA वायल जो हम होल ब्लड के लिए यूज़ करते हैं, उससे हमारे OBC, BC, ESR, HbA1c, GBP, PS4, MP ये जितने भी सारे हमारे टेस्ट होते हैं हम सब प्रोसेस करते हैं उसी से। EDTA के बाद हम क्या करते हैं, EDTA के बाद में हम सोडियम फ्लोराइड जो कि हमारी लास्ट सबसे लास्ट ट्यूब होती है और ड्रॉप ड्रो के अकॉर्डिंग हम उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं। सोडियम फ्लोराइड जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं आपको कि सोडियम फ्लोराइड जो वायल होती है वो हम ब्लड शुगर टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसी से हम ब्लड शुगर टेस्ट प्रोसेस करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में 8 से 10 वायल्स के लिए भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या कुछ टेस्ट की रिक्वायरमेंट है जैसे ब्लड कल्चर, LFT, KFT और CBC, मान लिया हमने आपके पास में सिर्फ ये 3 टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको तब भी आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना है। ये नहीं है कि आपके पास में 8 से 10 ट्यूब्स हैं टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तभी आप फॉलो करेंगे, उसके लिए भी आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना है। जैसे कि अभी अब हमारे पास में ब्लड कल्चर टेस्ट है या LFT, KFT और CBC है, तो उसमें हम सबसे पहले ब्लड कल्चर वाइल में सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम SST वाइल में सैंपल लेंगे, देन CBC वाइल में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के प्रोसेस में ही आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो या इसमें ज़रा भी नॉलेजेबल बातें मिली हो आपको, तो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी आने वाली और भी वीडियोस और भी मज़ेदार होंगी और नॉलेजेबल होंगी, और बस कनेक्ट रहिए मेरे इस चैनल से और देखते रहिए नई नई हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मेरी।